गुड मॉर्निंग, मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है एलकेजी और आपके जो होमवर्क दिया जाता है वर्कशीट पे आपको, उसकी जो समस्या का समाधान कराने जा रही हूँ वो है आपके नंबर 3 और 4 का भाग है। तो इससे पहले हमने देखे पूरे स्वर और आपके अण तक के व्यंजन, अब हम देखेंगे इससे आगे। तो प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर एक है प से लेकर म तक व्यंजन लिखना। प से लेकर आपको म तक व्यंजन लिखना है। अब ध्यान दोगे, आपने पहले तो थोड़े व्यंजन देखे हैं ना कैसे लेकर, अब आगे देखोगे। अब देखो तय तैसे तरबूज, थैसे थर्मस, दैसे दवात, दैसे क्या होता है दवात, धैसे धनुष, नैसे नल, तय थ द ध न। आप देखो प से पतंग, फ से फल, प फ फिर ब, ब से बकरी, भ से भालू, भ से क्या होता है भालू, भालू देखो बीच में इसमें लाइन नहीं होती है, म से मछली, म से मछली, ठीक है। अब यसे यज्ञ है ना, जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं उसे बोलते हैं य, फिर रैसे रथ, रैसे रथ, लैसे लट्टू, और वैसे वर्षा, वैसे क्या होता है वर्षा या वन, वैसे वन, वैसे वट, बरगद के पेड़ों कहते हैं व, य र ल व। देखो ध्यान से त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व। तो आपके ये व्यंजन पूरे हुए है ना, आपको तैसे वह तक दिया हुआ है। तो ये व्यंजन से लेकर आपको ज्ञ तक के व्यंजन पूरे करने हैं, ज्ञ तक के व्यंजन आपको पूरे लिखने हैं। तो देखो व्यंजन लिखो, अभी तक आपने देखे थे वह तक, पहले देखा आपने कैसे अण तक, फिर आपने देखा तैसे लेकर आपके ये तक देख रहे। अब आगे देखो, आप देखो श, फिर श स, इसको बोलते हैं षटकोण, स से शरीफा, स से षटकोण, स से आपके स्लेट है ना, स श स है, है से हल, है से क्या होता है हल। अब है उसके बाद में छक, क्षत्रिय होता है ना आपके छक, फिर त्र और ज्ञ, आपके ये आपके व्यंजन पूरे हो गए है ना। श इसको बोलते हैं शलजम, श श स है, छक त्र ज्ञ, तो आपके ये व्यंजन इस तरह से ये पूरे हो गए। भिन्न वर्णों पर आपको गोला लगाना है, भिन्न वर्णों पर गोला लगाओ, गोला लगाओ। तो भिन्न क्या होता है अलग, भिन्न माने क्या होता है अलग, आपको एक जैसे वर्ण आपको देखने हैं। जैसे आपके दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कह दिया हुआ है ना, अब आप देखो कौन सा अलग है इससे,
देखो कै, फिर दे दिया हमने गै, कैसे क्या होता है कबूतर, गैसे गमला, फिर कैसे कबूतर दे दिया, फिर कैसे कबूतर दे दिया। तो देखो कैसे कबूतर, गैसे गमला, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, तो गमला अलग हो गया ना, इस गै पे हम क्या लगाएंगे गोला लगा देंगे, ये अलग है ना, भिन्न माने अलग। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, सैसे सरोता दिया है ना आपके स। उसके बाद में देखो यदि हम लिख देंगे इसको ख, तो पहचानो क्या है ये, खरगोश, खरगोश वाला ख है ना। अब ये देखो फिर स सरोता वाला, फिर स सरोता वाला, ये स सरोता वाला है ना। तो ये सरोता दिख रहा है, ये भी सरोता दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, पर ये हमें खरगोश दिख रहा है, अलग हो गया ना सबसे, ये खरगोश तो अलग हो गया, सारे तो हमें सह सह दिख रहे हैं, और ये खै दिख रहा है तो अलग हो गया। उसके बाद में देखो ये क्या है, गै, गमला वाला गै है, और आपको मैंने लिख दिया ये क्या है, पहचानो यज्ञ वाला ये है ना, ये भी क्या है आपके, क्या हो गया गै गमला, फिर ये क्या है गै गमला, फिर ये भी क्या है गै गमला। तो आपके ये यज्ञ वाला जो ये है ये अलग हो गया ना, देखो इधर ये गै है, ये भी गै, ये भी गै, और ये भी गै, ये तीन तो गमले हो गए और ये तो यज्ञ हो गया, तो ये आपके क्या हो गया अलग हो गया। अब आपके देखो ये क्या है, मैं, मैं से क्या हो गया मछली, और हमने क्या बना दिए पै, ये देखो पहले हम मछली, मैं से मछली, फिर मैं से मछली, और ये पै से क्या हो गया पतंग, और ये मैं से मछली। ध्यान दो ये मैं से मछली है, ऐसा ही हमें यहाँ भी लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, पैसे पतंग अलग है ना, तो आपके ये अलग हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भिन्न वर्णों, भिन्न जो वर्ण कैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि आपको चित्र देखकर वर्णों, वर्ण लिखने हैं, चित्र देखकर, चित्र देखकर वर्ण, उचित वर्ण लिखना है आपको, उचित वर्ण लिखिए, उचित वर्ण लिखिए, उचित वर्ण आपको लिखना है। देखो आप चित्र देखो क्या है, ये किस चीज़ का चित्र है, दिख रहा है ना आप चित्र, ये चित्र है फलों का, जो राजा होता है उसका चित्र है, क्या है ये, फलों का राजा कौन होता है आम, तो आ से आम, बोलो आ, तो आ से आम, आ। अब देखो ये है खट्टी मीठी, किस चीज का चित्र है, खट्टी मीठी इमली का, तो आप देखो इस पे लिखो ई, इसको धीरे बोलेंगे ई है ना, तो ये है खट्टी मीठी इमली का चित्र, तो इमली तो ई आया ना आपके। अब देखो आपकी किसका चित्र है, फूलों के राजा का, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल, ध्यान से देखो इसको क्या है ये कमल, तो किससे शुरू हुआ, कैसे, कैसे कबूतर पढ़ते थे, कैसे कमल भी होता है, कैसे कमल, कैसे कछुआ भी होता है। अब देखो ये क्या है आपके, क्या है आपके झंडा, जैसे, ये किस में आता है आपके, देखो जैसे झंडा, इसको इस तरीके से लिखो, ई से इमली की तरह, और फिर इसमें यहाँ से मिलाया और यूँ जैसे झंडा। और ये क्या है, ये क्या है आप बताओ,
जैसे जग, क्या है ये? जैसे जग है, क्या है ये? जैसे जग, जैसे क्या है ये? जग है ना। जैसे हम पानी भी देते हैं, चाय भी छानते हैं, और ये क्या है? छह से छाता, क्या है ये? छह से छाता है ना, ये छाता। देखो हमारा जो पानी बरसता है उसमें काम आता है ना हमारे छाता, ये है ना, तो ये है छाता। तो हम इसको किससे लिखते हैं? छह से, छह से छाता। इसकी बनावट देखो इस तरीके से होती है, छह से छाते की बनावट। और ये क्या है? ये तो हमने छोड़ ही दिया भूल से, है ना। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें अपने घर पेड़ लगाने चाहिए, लगाने चाहिए ना, प्रकृति के बचाव के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो हमने गमले में क्या लगाया? फूल। गैसे गमला, गैसे गधा भी होता है, गैसे गमला। तो देखा आपने चित्र, चित्र देखकर हम उचित वर्ण लिखते हैं, उचित वर्ण हम लिखते हैं। तो बच्चों आज आपने स्वर और व्यंजन देखे, आपने पहचानने के लिए चित्र भी देखे, तो आपको मज़ा भी आया होगा चित्र देखकर, है ना। तो आप घर पर सुंदर सुंदर चित्र बना के खुद भी लिखना, पढ़ना और समझना। नहीं समझ में आए तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज करना। धन्यवाद।